नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय गुप्ता। आम चुनाव जारी हैं और तीन चरणों के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस राज्य की 26 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद अब सोमवार 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा, जहां प्रदेश की 13 और सीटों पर मतदान या वोटिंग होने वाली है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही मायावती ने एक बड़ा फैसला अपनी पार्टी के भीतर ही लिया। दरअसल उन्होंने अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लगभग 3 से 4 दिन पहले दोनों पदों से मुक्त अपरिपक्व कहते हुए कर दिया था। मायावती ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि आकाश आनंद को उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पदों से हटाया जाता है, क्योंकि वे राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। यहां पर राजनीतिक परिपक्वता ना होने के चलते उन्हें दोनों पदों से मुक्त किया जाता है। मायावती ने आकाश आनंद को लेकर के जो ये फैसला लिया, उससे प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई और ये सवाल सबसे पहले उठ कर के आया, आखिर ऐसा मायावती ने क्यों किया। जवाब इसका सीधा साधारण था कि मायावती ने यह फैसला आकाश आनंद के बयानों को लेकर किया, क्योंकि जिस प्रकार से आकाश आनंद लगातार ही विवादित बयान देते जा रहे थे, उसके बाद वो खुद मुश्किलों में पड़ते और केवल एक बयानू नेता बनते दिख रहे थे, लिहाजा मायावती ने कड़ा फैसला लिया। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर कई और सवाल हैं और तमाम सवालों पर बात करेंगे हमारे सहयोगी तनुज के साथ। तनुज, जिस तरीके से फैसला देखने को मिला मायावती का, हैरान कर देने वाला था। ऐसे में सवाल ये बनता है कि जो फैसला मायावती ने लिया है आकाश आनंद को लेकर के, क्या इस फैसले से मायावती ने उनकी जो छवि है उसे खराब होने से बचाया है? नहीं, देखिए, आप किसी भी नेता को उठा लीजिए, गलत बयान सभी नेता देते नजर आते हैं। हालांकि देखिए, मायावती की मैं इस बात मामले में तारीफ करूंगा, कभी मायावती अपने बयानों को लेकर घिरी नहीं है, कभी उन्होंने किसी तरह किसी भी नेता को इंसल्ट नहीं करा। हालांकि कुछ हर बातें तो रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं विपक्ष उन पर हमला करता नजर आया है। अभी भी देखिए, हाल ही में विपक्ष जमकर हमला उन पर बोलता नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती थोड़ा सा लंबा सोच रही होंगी कि पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि अगर अभी से ही देखिए आकाश आनंद के ऊपर इस तरह के बयान लगने लगेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति थमने लगती है। हालांकि आपका नाम बड़ा हो जाता है, चेहरा बड़ा हो जाता है, लेकिन जो जनता होती है वो आप पर भरोसा थोड़ा सा जताने में समय लगा देती है, और एक राजनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जनता उस पर भरोसा करे। मायावती ने भले ही आकाश आनंद के हित में फैसला लिया हो, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं, माफी चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस समय देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि मायावती ने गलत फैसला लिया है, और जनता को भी थोड़ा सा, जो दलित समाज है वो इस बात के थोड़ा सा अगेंस्ट है। लेकिन जरूर आप देखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा आकाश आनंद का निकलता नजर आएगा, क्योंकि आकाश आनंद वाकई में अपने बयानों को लेकर घिरते नजर आ रहे थे। कभी वो नरेंद्र मोदी को लेकर बोल देते थे, तो कभी अखिलेश यादव को लेकर बोलते थे, कभी चंद्रशेखर आजाद को लेकर। तो कहीं ना कहीं एकदम से आपने राजनीति में इतनी एंट्री करी और एकदम से आप अपने बयानों को लेकर इतने घिर जाए, तो थोड़ा सा दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। कारण था बयान जो देते नजर आए थे योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर कि ये तालिबान की सरकार है जिसमें सभी आतंकवादी भरे हुए हैं। कहते नजर आए थे सीधे तौर पर भाजपा बीजेपी नेताओं को कि वे आतंकवादी हैं, घर आए तो जूते और डंडों से मारो। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, यानी कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, रावण पर तंज कसते हुए कहे थे कि ये तो पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते, लड़े हैं यहाँ या चले हैं यहाँ लोकसभा का चुनाव। ऐसे में आकाश को लेकर जो फैसला था हमें देखने को मिला है, उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि जो युवाओं में जोश उत्पन्न आकाश ने बसपा के प्रति किया था, उसमें कहीं ना कहीं अब फिर यहाँ लचीलापन देखने को मिला। क्या वाकई में चीज होगी? देखिए, लचीलापन देखने को मिल सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आगे चलकर वही होगा कि आकाश आनंद देखिए बहुजन समाज पार्टी में वापसी करेंगे। हालांकि उनके पार्टी से थोड़ी ना निकाला गया है, सिर्फ उनका एक पद था वो छीना है, क्योंकि शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको पता था कि मैं उत्तराधिकारी बन गया हूँ, पार्टी मुझे ही चलानी है, थोड़ा सा नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। और आकाश आनंद कुछ नया नहीं कर रहे थे, आकाश आनंद वही कर रहे थे जो आजकल के नेता करते हैं। आप देखिए, कौन सा नेता गलत बयान नहीं देता? क्या राहुल गांधी गलत बयान नहीं देते? क्या अखिलेश यादव गलत बयान नहीं देते? क्या ओपी राजभर गलत बयान नहीं देते? उत्तर प्रदेश में आप किसी भी नेता को देख लीजिए, सब गलत बयान देते हैं नजर आते हैं। आप हाल ही में देखिए नवनीत राणा के लिए कितना गलत बयान देती वो नजर आई हैदराबाद में, बहुत गलत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करा। इस तरह की बातें नेताओं के लिए शोभा नहीं देती। लेकिन दूसरी बात आप ये भी देखिए, अगर नेताओं को फेमस होना होता है तो इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि उनको सुर्खियों में आना होता है, ये सबसे बड़ा कारण है। हालांकि देखिएगा, वापसी होगी मतलब अच्छे तरीके से, शायद उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुछ नया आकाश आनंद यहाँ पर करते नजर आए, कुछ नया आकाश आनंद करते नजर आए उत्तर प्रदेश
प्रदेश विधानसभा में, क्योंकि वापसी उनकी जरूर होगी। ऐसे में जो एंट्री तनु जहां पर कही जा रही है आकाश आनंद की, जिस तरीके से मायावती ने उनकी एंट्री कराई है, ऐसे में बेहतर होता कि अगर उन्हें चुनाव लड़वाती, संगठन को मजबूती के साथ साथ उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू कराती। कितना सही ये बात लगती है, कितना सही मायावती का फैसला लगता है? देखिए कहीं ना कहीं मायावती ने अगर कुछ सोचा है तो बेहतर सोचा होगा, क्योंकि जब उन्होंने अपने भतीजे के लिए अपना पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया, उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि मैं पार्टी का उत्तराधिकारी क्यों बनाऊं, मेरा बेटा तो नहीं है लेकिन परिवार का है। लेकिन उन्होंने करा ना, क्योंकि कुछ काबिलियत उनको आकाश आनंद में दिखाई देती है। और शायद इस बात से तो आप भी नहीं झुटला सकते कि आकाश आनंद अगर एक राजनेता बनते हैं तो एक राजनेता के चेहरे से बहुत अच्छे से उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी के साथ अच्छे ही तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री करी और अपने शब्दों को लेकर थोड़ा सा गिर गए, सब गिरते नजर आते हैं। देखिए जब युवा अखिलेश यादव थे, जब युवा के तौर पर अखिलेश यादव की एंट्री हुई थी, तमाम नेताओं ने उनका देखिए अगेंस्ट करा था। सबसे ऊपर आजम खान हुआ करते थे जब उस समय में, आजम खान की आज भी देखिए अखिलेश यादव से बनती नजर नहीं आती है। तो लेकिन फिर भी मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने लेकर आए अपने बेटे के लिए एंट्री कराई, उन्होंने कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अखिलेश यादव कितने अच्छे नेता उत्तर प्रदेश से बनकर निकले, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में कराया अक्षय, और बहुत अच्छे तरीके से अखिलेश यादव ने सरकार को चलाया, अपने कार्यकाल को पूरा करा। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिली कि आकाश आनंद के साथ आकाश आनंद बहुत अच्छी तरीके से, जब भी देखिए उत्तर प्रदेश में उनको मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि दलितों के हित में तो वो जरूर काम करते नजर आएंगे, क्योंकि उनका इकलौता वोट बैंक जो है सबसे ज्यादा दलित है। हालांकि और भी समाज का ध्यान रखते हैं वो, लेकिन दलितों का स्पेशल उनको बताया जाता है कि पार्टी बनी है दलितों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर पार्टी दलितों के लिए बनी है, आकाश आनंद से इतर अखिलेश बेहतर समर्थन करते हैं। ऐसे में एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि क्या अखिलेश यादव आकाश का समर्थन करेंगे, और जो बुआ ने फैसला लिया, मायावती ने जो आकाश को लेकर फैसला लिया, क्या उस फैसले के खिलाफ आकाश आनंद सपा का रुख कर सकते हैं? देखिए सपा का रुख कर सकते हैं, ये बस सिर्फ बातों में अच्छा लगता है जी, ये प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के लिए भाई भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता रहे हैं, आज भी वो बाराबंकी में पहुंचते हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको समर्थन करने के लिए रैली करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, जनसभा को संबोधित करते वक्त वो कह देते हैं बातों ही बातों में भाषण में अपने कि मायावती तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, बीएसपी और बीजेपी तो एक साथ है। तो ऐसे में ये सोच भी कैसे जा सकता है कि वो जाकर सपा में वापसी करेंगे। हालांकि देखिए अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं, ये सवाल गलत नहीं है आपका, सवाल बिल्कुल ठीक है, अखिलेश यादव का प्रयास है, क्योंकि और अगर देखिए करते हैं तो कुछ नया नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जीत पहले से देखने को मिली, आप अखिलेश यादव को देखिए, अपने पिता के ही खिलाफ वो जाकर मंच पर खड़े हो गए थे, आप शिवपाल यादव को देखिए जो चाचा है अखिलेश यादव के, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, आप उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना रखी, बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है और बदायूं से लोकसभा की जो है सांसद भी है इस समय मौजूदा, हालांकि उनका इस बार टिकट कट चुका है। अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि परिवार में मतभेद देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद के मन में इस तरह की कोई बात चल रही है, क्योंकि उन्होंने अभी देखिए जब उन्हें पद से हटाया गया उसके दो दिन बाद ही उन्होंने एक ट्वीट करा, उस ट्वीट में उन्होंने सब कुछ जाहिर कर दिया कि जैसा मेरी बुआ मतलब कि मायावती जी का भी फैसला होगा वो मेरे लिए सर पर है, उसका मैं आदर सम्मान करता रहूँ, आदर सम्मान करता हूँ, क्योंकि फैसला घर के एक बड़े ने लिया है, राजनीतिक रूप से बड़ी हर प्रकार से बड़ी है, इसलिए उनके इस फैसले का सम्मान करता हूं। अब क्या आकाश आनंद यूं ही बने रहेंगे बसपा के साथ, या अखिलेश कोई ऐसा जोड़ तोड़ बिठाएंगे कि आकाश उनकी तरफ आ जाएंगे, इस पर क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।